हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल एपी स्टडी लाइफ। इस वीडियो में हम टिशू टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। टिशू टिशू होते क्या हैं? टिशू मींस होता है ऊतक। ऊतक क्या होते हैं? टिशूज आर द ग्रुप ऑफ सेल। इनको हम कह सकते हैं जो सेल का ग्रुप होता है, इनको हम क्या कह सकते हैं? टिशू कह सकते हैं। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि जो सेल्स होते हैं इनके ग्रुप से क्या बनते हैं? इनके ग्रुप से बनते हैं टिशू, और टिशू से क्या बनते हैं? ऑर्गन। ऑर्गन क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम जो है उससे हमारी बॉडी बनी होती है। ऑर्गन सिस्टम से हमारी बॉडी बनी होती है। और अगर हम बात करें यहाँ पे सेल की, व्हाट इज सेल? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये जो है ये बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का। जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनका जो बेसिक यूनिट होगा वो होगा सेल। और अगर हम सेल ग्रुप की बात करेंगे, ग्रुप ऑफ सेल्स की, वो होंगे क्या? टिश्यू कहलाएंगे। और टिश्यू का जो ग्रुप होगा वो ऑर्गन कहलाएगा। और ऑर्गन जो मिलके बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, एंड ऑर्गन सिस्टम जो होता है वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी होती है। तो बेसिकली हमें पढ़ना क्या है? हमें टिश्यू के बारे में पढ़ना है। तो चलिए इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं टिश्यू के बारे में। व्हाट इज टिश्यू? टिश्यू आर द ग्रुप ऑफ सेल। टिश्यू आर द ग्रुप ऑफ सेल that have similar structure tissue are the group of cell that have similar structure act together to perform a perform a similar function. perform a similar function. तो हम क्या कह सकते हैं कि जो group of cell होते हैं वो क्या होते हैं? tissue होते हैं। जो करते क्या है? वो स्ट्रक्चर सिमिलर स्ट्रक्चर के होंगे और सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करेंगे। उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें हम कहेंगे टिश्यू। टिश्यू की स्टडी हम करते हैं प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू को हम अलग अलग स्टडी क्यों करते हैं? क्योंकि इनके जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो अलग अलग होती हैं। अगर हम बात करते हैं प्लांट टिश्यू के बारे में, तो प्लांट टिश्यू जो होता है वो दे आर फिक्स्ड। क्योंकि जो प्लांट होता है वो सॉयल में फिक्स्ड होता है, ये मूव नहीं करता है। और जो एनिमल टिश्यू होगा वो किसी भी एनिमल जो होते हैं, एनिमल जितने होते हैं वो मूव करते हैं, और जो प्लांट होते हैं वो मूव नहीं करते हैं। तो उनमें जो टिश्यूज़ होंगे वो उस तरीके के फंक्शन परफॉर्म करेंगे। प्लांट के जो टिश्यू होंगे वो मोस्टली डेड होते हैं। और अगर हम एनिमल की बात करें, एनिमल्स के जो टिश्यू होते हैं वो मोस्टली अलाइव होते हैं। तो इस बेसिस पे भी हम अलग अलग स्टडी करते हैं। और इनको प्लांट टिश्यू को सर्वाइव करने के लिए लेस देन एनर्जी की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये मूव नहीं करते हैं। मूव ना करने की वजह से इनको इतनी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है। और हम बात करें एनिमल टिश्यू की, तो इनको सर्वाइव करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। प्लांट टिश्यू हैं, इनका जो ग्रोथ है वो लिमिटेड रीजन में होता है। और अगर हम एनिमल टिश्यू की बात करें, इनकी जो ग्रोथ होती है वो पूरे बॉडी में बराबर होती रहती है। इसलिए इनको मोर एनर्जी की ज़रूरत है, इनको लेस एनर्जी की ज़रूरत है। ये फिक्स्ड होते हैं प्लांट, और एनिमल मूव करते हैं। इस बेसिस पे हम स्टडी करेंगे प्लांट और एनिमल की अलग अलग।
पहले बात करेंगे प्लांट टिश्यू की। तो प्लांट टिश्यू जो होते हैं उनको हम मेनली बांटते हैं दो पार्ट्स में, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट, सेकंड हमारा क्या है परमानेंट। फिर मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू होते हैं उनको हम फिर फर्दर क्लासिफाई करते हैं एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी में। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू फर्स्ट एंड सेकंड इसको करते हैं लेटरल। लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड इसको हम बांटते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इसी तरीके से हम अगर परमानेंट टिश्यू की बात करें तो इनको भी हम दो पार्ट में पहले डिवाइड करेंगे। कुछ होते हैं जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू को हम फर्दर डिवाइड करते हैं थ्री पार्ट्स में, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा एंड स्केलेरेनकाइमा। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की बात करें तो इनको हम डिवाइड करते हैं किसमें, दो पार्ट्स में, जाइलम और फ्लोएम। ये हमारा हो गया प्लांट टिश्यू। हम सबसे पहले स्टडी करेंगे प्लांट टिश्यू में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को और थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि एपिकल, लेटर और इंटरकैलरी को किस तरीके से हम डिवाइड करते हैं। बात करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये हमारा प्लांट है, कोई भी प्लांट होता है वो जो ग्रो कर रहा होता है उसके अपर पार्ट में यहाँ एपेक्स पे उसके कुछ टिश्यूज़ होते हैं जो उसको ग्रोथ में हेल्प कर रहे होते हैं। जो एपिकल पार्ट में उसके ऊपर के भाग में जो ग्रोथ करने में हेल्प कर रहे होते हैं उनको हम बोलते हैं एपिकल टिश्यू। और प्लांट में जो उसकी चौड़ाई बढ़ा रहे होते हैं, किसी भी प्लांट की जो टिश्यूज उसकी चौड़ाई बढ़ा रहे होते हैं, मोस्टली ये होता क्या है यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ होती रहती है और उसकी विड्थ को वो बढ़ाते रहते हैं, क्योंकि लेटरल मेरिस्टेम जो हो गया वो इसकी ग्रोथ को बढ़ाता है। और हम बात करते हैं इंटरकैलरी की। तो इंटरकैलरी मान लो ये कोई प्लांट है, इसमें गांठें पाई जाती हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं नोड। नोड और एक नोड ये हो गया, तो दो नोड के बीच का जो प्लेस होता है इसको हम बोलते हैं इंटर नोड। ये हो गया इंटर नोड। तो जो इंटर नोड के बीच का जो पार्ट होता है जिसमें ग्रोथ हो रही होती है, इस ग्रोथ के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है इंटरकैलरी। तो बेसिकली हम क्या कह सकते हैं कि जो तीनों पार्ट्स हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के, तीनों जो पार्ट हैं एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी, वो दोनों ग्रोथ में हेल्प कर रहे होते हैं। कैसे, जो डिवीज़न होता है किसी भी टिश्यू में डिवाइड होते रहते हैं और उसमें वो ग्रोथ कराते रहते हैं। अब बात करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। ये टिश्यू जो होते हैं ये विभाजन कर सकते हैं, ये हम कह सकते हैं दिस टिश्यू हैव द एबिलिटी टू प्रोवाइड देमसेल्फ, दिस टिश्यू have the ability to divide, this tissue have ability mm-hmm.
दिस टिश्यू हैव द एबिलिटी टू डिवाइड देमसेल्फ टू डिवाइड देमसेल्फ देयर बाई thereby providing growth to the plant providing growth to the plant this tissue have the ability to divide themselves thereby providing growth to the plant they are present in the growing region of plant present at the growing region of plant mainly इसको हम divide करते हैं तीन parts में पहला apical दूसरा एपिकल मेरिस्टम लैटरल मेरिस्टम एंड थर्ड इंटरकैलरी अब हम डिटेल में एपिकल लैटरल और इंटरकैलरी को समझ लेते हैं फर्स्ट की बात करते हैं एपिकल एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो प्लांट होता है कोई भी प्लांट होता है इसमें जो अपर ग्रोथ हो रही होती है इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू उसको हम बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ये अपर पार्ट में जो है डिवाइड होता रहता है जिससे प्लांट की जो है लेंथ बढ़ती रहती है इट इज प्रेजेंट एट द टिप ऑफ स्टेम एंड रूट It is present at the tip of stem and root. हम बात करें तो ये जो है ये ऐसा नहीं है कि बस इसके टिप पे ही रहता है यहाँ जो जड़ें होती हैं हम देखते हैं कि जो जड़ें होती हैं पहले छोटी होती हैं जब प्लांट छोटा होता है लेकिन जैसे जैसे प्लांट की ग्रोथ ऊपर हो रही होती है जड़ें जो हैं उसकी फैलती रह रही होती हैं तो इसका मतलब ये है कि अपर ग्रोथ के साथ साथ इसमें जो रूट होते हैं रूटों में भी तो इसके ग्रोथ होता रहता है तो ये जो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है इसके रूट्स में भी पाई जाती हैं जो रूट्स में भी ग्रोथ कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं इट हेल्प्स द प्लांट to grow in length length it involves in primary growth to the plant it involves in primary growth primary growth to the plant second हम बात करेंगे lateral meristematic tissue की lateral meristematic tissue lateral meristematic tissue it helps to increase the thickness of stem and root it helps to increase thickness
थिकनेस ऑफ स्टेम एंड रूट? अगर हम बात करें किसी भी प्लांट में, तो जो प्लांट होता है उसकी जो चौड़ाई होती है वो भी धीरे धीरे बढ़ती रहती है। ये होता है सेकेंडरी ग्रोथ के कारण, सेकेंडरी ग्रोथ होता रहता है और प्लांट का जो है ये स्टेम बढ़ता रहता है। ये जो मेरिस्टेमेटिक लेटर, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं उनकी वजह से प्लांट की जो है वो चौड़ाई बढ़ती रहती है, उनके ग्रोथ में जो है इंक्रीजमेंट होता है। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। अब हम थर्ड की बात कर लेते हैं, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करते हैं। इट इज़ प्रेजेंट एट द बेस ऑफ लीव्स और स्टेम, इट इज़ प्रेजेंट एट द बेस ऑफ लीफ और स्टेम। स्टेम मीन्स कि जो ये नोड होगा ये एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से ये इसका एपिकल पार्ट ग्रो हो रहा होगा और ये रूट्स में भी ग्रोथ हो रही होगी। और हम बात करें कि अगर इसकी चौड़ाई की ग्रोथ में जो इसके इंक्रीजमेंट होता रहता है वो लेटरल की वजह से होगा, और इंटरकैलरी की बात करें तो यहाँ जो प्लांट होता है इसमें नोड पाई जाती हैं, इनको हम गांठें कहते हैं। गांठ जैसी संरचना होती है, ये होती है नोड, और एक नोड और दो नोड के बीच में जो स्पेस होता है इनको हम बोलते हैं इंटरनोड। तो इंटरकैलरी मेनली करता क्या है, इंटरनोड के बीच की जो ग्रोथ होती है उनको इंक्रीज करता है। जो इंटरकैलरी होता है ये एपिकल मेरिस्टेम का ही भाग होता है, लेकिन होता क्या है कि वो जो एपिकल मेरिस्टेम ऊपर बढ़ता रहता है ग्रोइंग रीजन में आगे बढ़ता रहता है, लेकिन कुछ टिश्यूज जो होंगे एपिकल मेरिस्टेमेटिक के वो रह जाते हैं, उनको हम बाद में क्या कहते हैं, इंटरकैलरी, जो इंटरनोड को बढ़ाने में हेल्प कर रहे होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में बस यहीं तक, और अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करें, और जो भी चीज़ें इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं समझ में आई हो उनको कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।